हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विथ माय सम मोर एग्जांपल्स ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन अर्लियर डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट टॉपिक एज अ फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे. सो आई हैव गिवन थ्री मोर एग्जांपल्स ऑन रिडॉक्स रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. सी, वेरी वेरी स्मॉल रिएक्शन आई हैव टेकन, फेरस एंड सल्फर रिएक्ट ईच अदर, फेरस सल्फाइड वी हैव टेकन. यहाँ पे जो है फेरस जो है ऑक्सीडेशन के फॉर्म में रिएक्शन कर रहा है. देखिए, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है फेरस का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन, वेयर एज सल्फर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो हो जाता है एस टू, साइन माइनस है उसकी, वैलेंसी हो जाएगी उसकी माइनस में टू, जिसका मतलब होता है रिडक्शन. जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिडक्शन होता है, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है. तो यहाँ पे फेरस कैसे रिएक्ट कर रहा है, इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और ये सल्फर वहीं पे क्या कर रहा है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन. सो Fe इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Fe2+ एंड वेयर इज S gets reduced to S2-. So here is the example, very small example for oxidation and reduction or reducing agent and oxidizing agent. ये सारे चारों topics जो हैं ये इसमें cover हो रहे हैं इस एक equation में. हमने topic का example लिया है, किस topic का, redox reaction का. हमने उसमें क्या क्या बताया, oxidation क्या होता है, reduction क्या होता है, oxidation loss of electron, reduction gain of electron, oxidizing agent जो गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, और जो लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. सो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन. जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. और यहाँ पे जो Ag है, दैट इज सिल्वर, टू एटम्स ऑफ सिल्वर, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है. और यहाँ पे एग्जैक्ट टू एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमको. ये प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि LHS और LHS ऐड होके ये वाला पार्ट बन रहा है, जहाँ पे कॉपर इज एडेड टू द टू Ag एंड गिव्स Cu2+ एंड 2Ag. तो यहाँ पे ये जो RHS है यहाँ पे ये ऐड हुआ. तो फाइनली ये हमको इक्वेशन कैसे मिल रही है, कुछ इस तरह से. अब यहाँ देख रहे हैं हम नीचे कि Cu जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क किया, क्योंकि यहाँ पे लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. और यहाँ पे Ag जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क किया, जहाँ पे एज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स. हियर दिस एग्जांपल इज ओवर विद दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टेकन एज फेरस ऑक्साइड रिएक्ट विद द टू एटम ऑफ एल्यूमिनियम एंड गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड टू एटम्स ऑफ फेरस. ठीक, यहाँ पे जो फेरस ऑक्साइड में जो देख रहे हैं हम, फाइनली रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है. और एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगेन फेरस ऑक्साइड में अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो इट वर्क्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है. और एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, जो कि है लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, सो विद दिस आई एम जस्ट गिविंग द एंड ऑफ दिस टॉपिक, बट लेटर ऑन वी विल डिस्कस मोर एंड मोर एग्जाम्पल सो दैट द कॉन्सेप्ट विल क्लियर मोर इन टू योर माइंड. थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे.